लेसन फोर्थ इंडिया फिजिकल फीचर्स, भारत की भौतिक विशेषताएं। वार्म अप, व्हाट डू यू फॉलोइंग पिक्चर्स शो, टिक द करेक्ट आंसर। माउंटेन, ओशन, आप देख रहे हैं ये किसका पिक्चर है, माउंटेन का। कॉन्टिनेंट या सी, तो आपको ये क्या लग रहा है, ये है सी। इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी भारत इस धरती की भौतिक विभिन्न विशेषताएं हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सिक्स फिजिकल रीजंस। भारत छह भौतिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। द नॉर्थन माउंटेन्स, उत्तरीय मैदान। द पेनिनसुला प्लेट्यू, त्रिकोणीय पठार। कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। नॉर्थन प्लेन्स, उत्तरीय मैदान। इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। द आइलैंड्स और द्वीपों में। द नॉर्थन माउंटेन्स, इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द माइटी रेंज ऑफ माउंटेन्स कॉल्ड द हिमालयन। भारत के उत्तरी भाग में पर्वतों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है जिसे कि हिमालय श्रृंखला कहा जाता है। द हिमालय इज अ संस्कृत मीन द एबोड ऑफ स्नो। संस्कृत में हिमालय का अर्थ बर्फ का घर होता है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट की चोटी संसार की सबसे ऊंची चोटी है। लाइस इन द हिमालयन रेंज, जो कि हिमालय श्रृंखला में स्थित है। नॉर्थन प्लेन्स, द नॉर्थन प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ इंडिया। उत्तरी मैदान भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। रिवर्स सच एज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द इन नॉर्थन प्लेन्स। भारत के उत्तरी मैदान से होकर बहने वाली नदियों में है ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी। द नॉर्थन प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंडो गंगेटिक प्लेन्स। उत्तरी मैदानों को जाना जाता है सिंध तटीय, गंग तटीय मैदानों के नाम से। द पेनिनसुला प्लेट्यू, द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेट्यू। भारत के बीच के स्थान को पठार कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द पेनिनसुला प्लेट्यू और इसे त्रिकोणीय पठार भी कहते हैं। द रिवर्स नर्मदा फ्लो थ्रू द पेनिनसुला प्लेट्यू एंड डिवाइड इन टू टू पार्ट्स। भारत के त्रिकोणीय पठारों में से होकर बहने वाली नदी नर्मदा है, जो कि इसे दो भागों में बांटती है। देर आर टू माउंटेन रेंज ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू। दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि पूर्वी पश्चिमी और पूर्वी की पूर्वी त्रिकोणीय पठार की तरफ है। दे आर द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। इन्हें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहा जाता है। द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। द इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इट इज अ हॉट डेजर्ट, ये बहुत गर्म मरुस्थल है। एंड द सेवेंथ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, और संसार का सातवां बड़ा मरुस्थल है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल, यहाँ बहुत कम मात्रा में बरसात होती है। आंसर द फॉलोइंग ओरली। What does Himalayans mean in Sanskrit? यानी कि हिमालय को संस्कृत में क्या कहा जाता है, क्या अर्थ है? तो इसका आपने आंसर अभी पढ़ा था, abode of snow, abode of snow, अर्थात बर्फ का घर। What are the northern plains are also known as? तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था, Indo-Gangetic plains, Indo गंगेटिक प्लेन्स। नेम द सेवेंथ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो ये देखिए हमने ये पढ़ा थार डेजर्ट, इसका क्या आंसर आएगा, थार डेजर्ट। द कोस्टल प्लेन्स, द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिनसुला। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय है। इट इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ये घिरा हुआ है पूर्व की ओर से, यह है अरब सागर से घिरा हुआ है और
थोड़ा भी पश्चिम। मम्मी कर देना। द कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए पेनिनसुलर। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय है। इट इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। ये पश्चिम की ओर से अरब सागर से ढका हुआ है और पूर्व की ओर से बंगाल की खाड़ी से। ऑन द साउथर्न पार्ट लाइज द इंडियन ओशियंस। और इसका दक्षिणी भाग हिंद महासागर की ओर है। इट हैज अ वेरी लार्ज कोस्ट लाइन। इसके पास बहुत बड़ी तटीय रेखा है। द बाउंड्री ऑफ कोस्ट वेयर लैंड मीट्स वाटर। वो सीमा जो कि तट एक तट को वेयर यानी जहाँ लैंड धरती मीट्स मिलाती है वाटर से, जहाँ धरती और पानी का मिलन होता है, इज कॉल्ड अ कोस्ट लाइन। उसे तटीय रेखा कहा जाता है। कोस्टल प्लेन्स आर फाउंड बोथ ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया। तटीय मैदान पाए जाते हैं पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में, भारत के तटीय मैदानों में। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। पश्चिमी तटीय मैदान जो है कि वो पश्चिमी घाट और अरेबियन सी के बीच में है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। पूर्वी तटीय मैदान स्थित हैं पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में। डिड यू नो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स टूवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो दक्षिण की तरफ से मालाबार तट है, उनको मालाबार तट कहा जाता है। इट हैज मैनी सॉल्ट वाटर लेक्स। यहाँ बहुत खारे पानी की झीलें हैं। कोल्ड लेगून्स कट ऑफ फ्रॉम द अरेबियन सी, जो कि लेगून्स हैं और अरब सागर की ओर से निकलती हैं। द आइलैंड्स सेवरल आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत से द्वीप भी भारत का भाग हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार द्वीप जो हैं वे भारत की बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप आइलैंड अरब सागर में स्थित है। द मैप गिवन बिलो शो द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये भारत की विभिन्न विशेषताओं को बता रहा है, इसे हम आगे फिल करके बताएंगे। और सभी को ये लेसन 2 times रीड करना है। मैप वर्क। टुडे वी आर डूइंग मैप वर्क। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द फिजिकल फीचर्स। हम इस मैप पर फिजिकल भारत के भौतिक विशेषताओं का विज्ञापन करेंगे अर्थात दर्शाएंगे। पहले सबसे पहले हमें इस पोर्शन को ब्राउन कलर करना है, बीच में ग्रीन, ये येलो, ये ग्रीन, जैसे आप देख रहे हैं ये वाटर कलर है, ब्लू कलर है, लाइक दैट सेम। कलर करने के बाद आफ्टर कलर हम इसे मेंशन करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ है। एक पहले आपको देखकर करना है और उसके पश्चात आपको इसकी स्वयं प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हमने देखा है ये हिमालयन रेंज है, यहाँ से हिमालयन रेंज, तो हम यहाँ लिखेंगे हिमालयन रेंज। ये है थार डेजर्ट। डेजर्ट मैंने आपको बताया था, ये है मरुस्थल। और ये किसका मैप है? ये है हमारे इंडिया का मैप है। और ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और बीच में है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये है ईस्टर्न, देख भी रहे हैं आप यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स। ये है ईस्टर्न घाट्स और ये जो ग्रीन है ये है नॉर्थन प्लेन्स। द
नॉर्थन प्लेन्स और ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जिसे हिंदी में बंगाल की खाड़ी कहा जाता है और ये है अरेबियन सी। अरेबियन सी और नीचे ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जिसे हम कहते हैं हिंद महासागर। आपको ये पॉइंट इस मैप पर शो करने हैं। ओके बाय।